मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो नया ब्रांड है जॉन क्लॉड ओलिविए, ये एक स्पेनिश ब्रांड है, तो जो वहाँ विदेश में बहुत बहुत मशहूर है, बहुत बहुत बढ़िया ब्रांड है। तो पहली बार यहाँ मुंबई में आ रहे हैं, पहली बार इंडिया में, और इनके साथ जो मेरा एसोसिएशन, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। बिकॉज आजकल जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेल ग्रूमिंग भी बहुत अहम है। अगर देखा जाएगा तो लॉट्स ऑफ मेन नाउ गो टू सैलॉन्स जहाँ बियर्ड का, मतलब आजकल बियर्ड का ट्रेंड चल रहा है, तो मतलब बियर्ड संभालने के लिए ट्रिमिंग वगैरह, कलर ये वो, तो मतलब इस तरह की सैलॉन्स जहाँ जहाँ मतलब होता है, इट्स वेरी गुड, ख़ासतौर पे मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए भी। और अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड आ जाए जिसमें एक्सपीरियंस बहुत है, जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल यहाँ इस्तेमाल करते हैं, सब नॉन केमिकल, मतलब कलरिंग वगैरह उस तरह की चीज़ें नॉन केमिकल है और ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आई थॉट इट विल बी अ गुड थिंग टू एसोसिएट विद देम। जब भी आप किसी ब्रांड से जुड़ते हैं, जैसे किसी से ब्रांड से ब्रांड में चल रहे हो, तो क्या कुछ देखते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में? मैं पहले ये पता करता हूँ कि ब्रांड कहाँ से आ रहा है। अगर समझ लो कि ब्रांड बाहर से आ रहा है और उसके ब्रांड के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी, मतलब थोड़ा जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हर चीज़ अभी इंटरनेट पे है। उसके अलावा मैं प्रोडक्ट देखता हूँ कि क्या प्रोडक्ट है, किस तरह की प्रोडक्ट है। मैं काफ़ी पूछताछ करता हूँ मतलब क्लाइंट के साथ कि एग्जैक्टली क्या प्लान है आपका, फ्यूचर का क्या प्लान है। ऐसे नहीं कि एक आप खोल रहे फिर छोड़ देते हैं, मतलब आप कितना इन्वॉल्व रहेगा। क्योंकि अगर मैं फेस हूँ, अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर कोई भी आ जाए मेरी वजह से, तो कम से कम उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, ये मैं चाहता हूँ। सर, जैसे कि आप फिटनेस पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं, काफ़ी लोग आपको फॉलो भी करते हैं, जी, तो अपने फॉलोअर्स को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, सैलून के बारे में? मैं देखो, सैलून इसके लिए होता है ताकि आप वहाँ जाके आपका लुक को बराबर कर सकते। वैसे बहुत लोग मतलब सैलून पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ लोग को जाना है जहाँ आप मतलब हाइजीन के लिए, मतलब स्टाइल के लिए और लुक के लिए। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर चाहिए तो अगर आपको लगता है कि कोई भी सैलून में, सिर्फ ये नहीं, अगर कोई भी सैलून पे जाना अगर आपको, तो जाना चाहिए, शर्माओ मत। ये कोई मतलब लोग शर्माते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ लेडीज़ लोग जाती हैं सैलून पे। मैं मानता हूँ कि यार कोई भी जा सकते हैं आजकल। अगर आपको कुछ हाइजीन की चीज़ें चाहिए, स्टाइलिंग की चीज़ें चाहिए, टिप्स चाहिए, हेयर कट चाहिए, बियर्ड चाहिए, मतलब बियर्ड ट्रिमिंग, कलर ये वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। लोग यहाँ भी आते हैं पेडिक्योर मैनिक्योर, मतलब वैसे मैं खुद करता हूँ अपना, मुझे लगता है कि, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, थोड़ा कंफर्ट चाहिए, थोड़ा पैम्परिंग चाहिए। तो मैं फैंस को ये कहता हूँ कि यार जाइए, शर्माओ मत, इन्जॉय करो, एक ही लाइफ है। जी, और मेरी एक दूसरी पिक्चर अभी आने वाली, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक बहुत बेहतरीन पिक्चर है, फिल्म का टाइटल है हेलमेट, आप समझ लो, मगर बहुत बढ़िया पिक्चर है। शूटिंग अभी मेरे ख्याल से दिसंबर में हम शुरू करेंगे, तो 2020 अप्रैल या मई में हम ये पिक्चर रिलीज़ करेंगे, और बहुत बहुत कमाल की पिक्चर है। और देखी नहीं, मैं आज आने वाला हूँ, सुना कि टॉप क्लास पिक्चर है। वैसे ऋतिक और टाइगर दोनों फैंटास्टिक एक्टर्स हैं, तो दोनों साथ में देखना। एक्चुअली मैं तो काफ़ी बिजी था बीच में, आज जाने वाला हूँ मैं। अच्छा सर, दशहरा कुछ कहना चाहेंगे? यस, सभी दर्शकों को यही कहना चाह रहा हूँ कि हैप्पी दशहरा, इन्जॉय करो, अभी दिवाली भी आने वाली है, तो शिव दिवाली को भी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू। बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो जीन क्लाउड फ्लाइवर का शॉप ओपनिंग हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या खास है इस सैलून में? तो मैं डॉक्टर श्रुति बर्डे हूँ, मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और एंटी एजिंग में पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ। तो जॉन क्लॉड ओलिवर के साथ एसोसिएटेड होने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि टुडे इज़ द लॉन्च ऑफ दिस स्पेसिफिक स्पेस एंड वेरी एक्साइटेड। आप किस तरह से सर्विसेज देने वाले हैं यहाँ पे, कितना प्रोडक्ट के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में जाना चाहेंगे, किस तरह का सर्विस लोगों को मिलने वाली? तो बेसिकली आपने कोई भी पार्लर देखा होगा कि कोई भी ब्यूटी सेटअप इज़ जस्ट वन डायमेंशनल, कि जहाँ पर सिर्फ जैसे थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं बालों का, स्किन का, हाथों का, पैरों का, बट इधर हम लोग नॉट जस्ट वो, मगर उसके अलावा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स करने वाले, जिससे द क्लाइंट्स एंड द पेशेंट्स को
होलिस्टिक पूरा का पूरा ट्रीटमेंट एक रूफ के अंडर मिले. तो आई विल बी फोकसिंग ऑन स्किन ट्रीटमेंट और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट. हमारे पास सबसे अच्छी मशीन्स हैं अभी विच इज़ द बेस्ट इन द मार्केट फॉर हेयर रिमूवल. लेज़र्स हैं पिगमेंटेशन के लिए, टैटू ट्रीटमेंट्स के लिए मशीन्स रहेंगी, स्किन को रिजुविनेशन के लिए ट्रीटमेंट्स रहेंगी. तो आप देखोगे कि पार्लर में यूजुअली फेशियल्स होते हैं, तो इधर में मेडिफेशियल्स होंगे. सो सारे ट्रीटमेंट्स को सुपरवाइज करेंगे. सो देयर विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी सुपरवाइजिंग ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट्स एज वेल एज फेशियल्स ऑल्सो, सो दैट स्किन को और हेयर को अच्छे से समझ के फिर उसका ट्रीटमेंट होगा. जैसे कि आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आप अगर आपसे किसी को ट्रीटमेंट कराना है तो आप कितना वक्त यहाँ पे दे सकते हैं, कितने वक्त यहाँ पे रहेंगे आप? नहीं तो आई एम ऑन बोर्ड, सो आई विल बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स. मगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू जहाँ पर क्लाइंट्स जिस तरह से अपॉइंटमेंट बुक होता है वैसे होता है. कई लोग प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी प्रोसेस देते हैं रहते हैं, और तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि सर्विस में किस प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं उनके बारे में? सो ये एक स्पैनिश ब्रांड है, तो ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो यू नो ट्राइड टेस्टेड सर्टिफाइड. सो इसके लिए यू नो आई विल गेट इन कि जिस तरह देखो प्रोडक्ट बहुत अच्छे रहते हैं मार्केट में, मगर यू नो क्लाइंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि उनकी स्किन के लिए या उनके बालों के लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है. सो दैट इज़ वॉट वी गोना केटर टू कि अकॉर्डिंग टू स्किन एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू हेयर एनालिसिस उनके लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो देंगे. नहीं ये तो आपको शैलेश जी और मैम से पूछना पड़ेगा, बट या वी हैव बिग प्लान्स. या दिस इज जस्ट द स्टार्ट. थैंक यू.